हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह से फोर्थ फोल्ड करके रख लिया है मैंने। ये देखिए, तो बंद वाली साइड आपकी तरफ को है और खुले वाली साइड मेरी तरफ को है। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे ताकि इसमें कोई बल वगैरह ना पड़ा रहे। उसके बाद हम यहाँ ऊपर की इस साइड से इसको देख लेंगे, नाप लेंगे ताकि कपड़ा हमारा एकदम अच्छे से बिछा है या नहीं। अभी हम ऊपर की तरफ से 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और उसके बाद हम अभी लेंथ का निशान लगाएंगे यहाँ से 12.5 इंच पे। तो ये देखिए, मैंने ये दोनों निशान लगा लिए हैं। अब इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से हम स्ट्रेट नीचे मिला लेंगे। तो इस निशान को भी हम इस तरह से स्केल की हेल्प से नीचे स्ट्रेट मिलाएंगे और दूसरे निशान को भी हम इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी सेम निशान लगा लेंगे हम 3.5 इंच पे, और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और नीचे 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से जो हम बाजू की शेप देते हैं वो दे लेंगे। उसके बाद हमने जो ये ऊपर बॉक्स बनाया है इसको भी ऊपर हम शेप देते हुए इस तरह से राउंड कर लेंगे, ऊपर की तरफ शेप देंगे इसको। तो इस तरह से ये राउंड शेप दे लेंगे और उसके बाद इस शेप को ऐसे राउंड लाते हुए हम नीचे बाजू से मिला लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी, ये देखिए इस तरह से। और अभी जो हमारा ये कॉर्नर बना था उसमें हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये देखिए, हमारे पास ये स्लीव 11 इंच रेडी रहेगी। 1/2 इंच हमारी यहाँ से सिलाई में जाएगी नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से। तो हम टोटल स्लीव की लेंथ 23 या 4 इंच रखेंगे। तो अभी 12 इंच की हमने काट ली है, उसके बाद जितनी भी हमारी बची वो हम आगे से और कपड़ा उसमें अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये डिज़ाइनर फैब्रिक रखा है और जितनी हमें काटनी है, जैसे हमने 25 इंच पे निशान लगा लिया ऊपर से नापते हुए। और अभी हम इस कपड़े को इस तरह से फोर्थ फोल्ड करके रखेंगे और हमने ये 1/2 इंच नीचे वाले कपड़े के ऊपर ओवरलैप करके रखा हुआ है इस तरह से। ये फोर्थ फोल्ड है और यहाँ से हम एक निशान 6.5 इंच पे लगाएंगे और फिर 1.5 इंच पे, और यहाँ पे मोरी का निशान लगाएंगे हम यहाँ 4.5 इंच पे और फिर मार्जिन इस तरह 1.5 इंच पे। तो इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और अंदर वाले निशान को भी मिला लेंगे। और अभी बाहर वाले निशान पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से अटैच होगी और जो इस तरह इसमें बीच में गैदरिंग बनेगी और हम नीचे से इसको काट के अलग कर लेंगे। नीचे से हमारा एक पीस ओपन था और एक जुड़ा हुआ था, हमने उसको काट के अलग कर लिया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग होगी। अभी आगे से हम इसको बराबर कर लेते हैं। हमारा कपड़ा आगे से बराबर नहीं है और यहाँ पे भी हम नोचिस लगा लेंगे और सेंटर में भी हमने नोचिस लगा लिया। अब सेंटर वाले नोचिस की तरफ को हम इस तरह से प्लीट्स डालेंगे, 3-3 दोनों तरफ, और नीचे इस तरह बीच में हमारी प्लीट्स आएंगी। तो चलिए अभी मैं इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमने पीछे जो हमारा पीछे वाला पीस है आर्म होल वाला वो ले लिया हमने सबसे पहले। तो जो हमने ये कट लगाए थे इन कट के ऊपर से हम ऊपर की तरफ को 3 प्लीट्स डाल लेंगे, ये देखिए, और दूसरी साइड की प्लीटें हम ऑपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे इस तरह से। ये प्लीटें हम सीधी साइड से इस तरह से डालेंगी हमारी, अगर हम उल्टी साइड से डालेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें डालनी पड़ेंगी। तो ये मैं सीधी साइड से डाल रही हूँ। तो ये 3 प्लेटें इस तरह से आमने सामने आएंगी, जो हमारा बीच वाला कट है उसके आमने सामने। तो इस तरह से हमारा पफ बन जाएगा। अभी हमने ये आगे वाला पीस ले लिया है, ये मोरी वाली साइड है और ये वाली साइड हमारी यहाँ पीछे अटैच होगी। तो जो साइड हमारी पीछे अटैच होगी उसका हम इस तरह से सेंटर भी कर लेंगे और कॉर्नर में हम दोनों साइड में इस तरह से 2-2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अभी हम इस पीस को सीधा करके रखेंगे मशीन के ऊपर, इस तरह से सीधा करके रखा है हमने, और ये हमारा दूसरा वाला पीस है इसको हम उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। अभी हमने जो निशान लगाया है वहाँ तक हम सीधी सिलाई करेंगे, जो हमने ये निशान लगाया यहाँ तक सीधी सिलाई करेंगे और उसके आगे हम बीच में पूरी गैदरिंग कर लेंगे।
प्लीट्स डालेंगे, आप गैदरिंग भी कर सकते हो सिलाई लगा के धागा खींच के, और इस तरह से की प्लीटें भी डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से इसकी प्लीट्स डाली हैं। अब दूसरी साइड भी हम 2 इंच तक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हम सीधी साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने कढ़ाई वाले कपड़े पे लगाई है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव रेडी हो गई है। हम आगे से मोहरी के लिए भी फोल्ड कर लेंगे। तो मोहरी की तरफ ने हम से हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो अभी हम इसको इस तरह से मोहरी का निशान लगाएंगे और यहाँ 6.5 इंच पे लगाएंगे और आर्म होल का निशान लगाएंगे हम यहाँ 10 इंच पे। ये निशान हमने कुर्ती के आर्म होल को नाप के लगाया है। तो इस तरह से इस निशान पे अब हम सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। अभी हम सेम तरीके से दूसरी स्लीव भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे और हम इसको राइट साइड टर्न करके रखेंगे और फिटिंग वाली सिलाई मिलाएंगे। राइट साइड टर्न करते हुए हमने इस बाजू को जो हमारी कुर्ती वाला आर्म होल का होल था उसके अंदर इंसर्ट करके रखा और जो हमारी फिटिंग वाली सिलाइयाँ थी बाजू की भी और कुर्ती की भी उनको मिला के रखा। और इस तरह से मिलाते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी जो बाजू है वो कुर्ती के साथ इजीली अटैच हो जाएगी इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। देखिए कितना सुंदर पफ बन के रेडी हुआ है। तो ये स्लीव डालने के बाद बहुत ही सुंदर दिखती है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। सेम तरीके से हमने दूसरी बाजू भी अटैच कर ली है, ये देखिए। और पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।